यूं तो कई कस्बों के विभिन्न मंदिरों में आस्था का सैलाब देखा गया, लेकिन शहर के बाहर 120 क्वार्टर सिंगोली पर भी जन्माष्टमी पर्व को लेकर बच्चों में उत्साह देखा गया। बस्ती में छोटे छोटे बालक बालिकाओं ने रंग बिरंगे गुब्बारों को और डेकोरेशन से झांकियां सजाई। झांकी में भगवान श्री कृष्ण के साथ शिवजी की प्रतिमा भी स्थापित की और रंगोली बनाकर झांकी के आकर्षण को चार चांद लगा गए। बस्ती के बच्चे रात 12 बजे से पूर्व तक कृष्ण भक्ति से सरोवर होकर संगीत में भजनों पर थिरकते नजर आए। रात 12 बजे के बाद कृष्ण कन्हैया की आरती उतारी और प्रसाद वितरण किया गया। कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर देखा गया कि प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की उपेक्षा इस बार उत्साह कुछ कम दिखाई दिया, क्योंकि यह सभी को पता है कि देश कोरोना काल में किस साए में है। ऐसे में किसी भी कार्यक्रम में अधिक भीड़ जुटाना प्रतिबंधित है। बस्ती के बच्चों ने बताया कि उन्हें मालूम है कि कोरोना महामारी के दौर में मंदिरों पर अधिक भीड़ नहीं जुट सकती है, इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करने के लिए बस्ती में ही छोटी सी झांकी सजाई। मैं चुनचुन धारवाल, हमने इस कोरोना मारे में हम जानते हैं कि हम मंदिरों और बाजारों में जाकर ये झांकी नहीं बना सकते, इसलिए हमने कॉलोनी में 120 कॉलोनी में हमने ये झांकी बनाई है और ये हम सब साथियों ने मिलकर बनाई है। किरण लबाना, चिराग धारवाल, लक्की लबाना, वंदना लबाना, टिंकल लबाना, हम सब ने मिलकर कोरोना महामारी में झांकी बनाई है। जन्माष्टमी की झांकी बनाई है और हम छोटी सी झांकी बनाई है छोटी सी बस्ती में। हमने ये शंकर भगवान ये सब बनाए हैं, डेकोरेशन रंगोली बनाई है, अभी झांकी बनाई है। ये डेकोरेशन करा हम सब भाइयों ने बहनों ने मिलकर बनाई है छोटी सी बस्ती में, जाके राजीव नगर कॉलोनी में 120 मकान में ये छोटी सी झांकी है, इसमें फुग्गे डेकोरेशन सब है। सिंगोली से महबूब मेर की रिपोर्ट।